साउंड बनाओगे तो ऐसा इनलाइन फोर बनाओ, इनलाइन फोर। सो ये है अपना भाविक भाई का महल है भाई, महल से कम नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। इतना दूर से क्या साउंड आ रहा है। मतलब पेट्रोल पे चलती है ये, पेट्रोल पे। इसका 2 लीटर का टैंक है। हाँ, 2 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है। क्या बात कर रहे हो, मतलब 30 का ऑन है ने मेरे बीच। इसका इंजन कौन सा लगा है ऊपर का? ये इसका मैंने इंजन इंपोर्ट किया था। क्या बोले? डोमिनार से ज्यादा एवरेज। अच्छा, डोमिनार से। अच्छा। अपने जेरी 2.0 एंड न्यू डे, न्यू शुरुआत। टाइम हो रहा है 11:51। अभी इधर से अपने को सबसे पहले चलना है कावासाकी सर्विस सेंटर, फिर उधर से देखते हैं कि इधर क्या करेंगे क्या नहीं। आज का वीडियो थोड़ा अलग ही अच्छा है वाला ही रहेगा। आप सब दीक्षांत भाई की टेनर की फर्स्ट सर्विस है। तो फर्स्ट सर्विस का बिल कितना जाना चाहिए भाई? 7,500। इनको तुमको एक्यूरेट पता है 6,500? अच्छा, हर्षल ने कराया। तुम्हारी ओवर पावर गाड़ी है ना, तो उसके हिसाब से मेंटेनेंस भी इतना ही रहेगा ना। हाँ, तो 7,000 मेंटेनेंस ही बोला मैंने। तुम टूडो में हमेशा हारने की आदत हो गई है तुमको। नहीं नहीं, मैं तुमने आप भी कौन आ रहा? देखो बोलते भाई, बोले हैं सर को। हाँ प्रेम भाई, क्या ये वाला नहीं डाला था मैंने? अरे भाई, अपने को परफॉर्मेंस चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये मत दो भाई। A few moments later. ये हुआ अपने भाविक भाई का घर।
अरे भाविक भाव, कैसे हो? कैसे हो? एक नंबर। बस अच्छा लगा मिलके तुमको पर्सनली देख के। हाँ चलो बाहर ही देखते। सो जाइए गाइस, जैसे आप सबको बताया अपने भाविक भाई इधर मिल चुके हैं। भाविक भाई कैसे हैं आप? एक नंबर भाई, आप कैसे हो? बस मजे में। सो भाविक भाई को इन पर्सन मिलके बहुत अच्छा लगा यार, और अपने टेनार और उधर दोनों टेनार, और भाविक भाई के पास भी भाविक भाई की ही है। और रही बात भाविक भाई की, ने आप सबको पता रहेगा एक्सपेरिमेंट करते रहते भाई। अभी ये जो गाड़ी है इसको कितना सीसी गाड़ी है भाई? ये 80 सीसी भाई। 80 सीसी है? हाँ। तो मतलब पेट्रोल पे चलती है? हाँ, ये पेट्रोल पे, इसका 2 लीटर का टैंक है। हाँ। 2 लीटर में 60 किलोमीटर जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब 30 का ऑन है मेरे पे। इसका इंजन कौन सा लगा है ऊपर का? ये इसका मैंने इंजन इंपोर्ट किया था। क्या बोले? डोमिनार से ज्यादा एवरेज। अच्छा, डोमिनार से ज्यादा एवरेज है। एक बार चालू करो भाविक भाई। क्या साउंड आ रहा है? ओ भाई ये तो अलग ही है भाई। बस बंद कर दो भाई। अच्छा किल स्विच भी है इसके अंदर? हाँ, किल स्विच भी है। यहाँ पर एक क्लच है। अच्छा एक क्लच। हाँ, क्लच पूरा बाइक जैसा वर्क करता है? पूरा पूरा बाइक। क्लच है, दो ब्रेक्स। हाँ, कार्बोरेटर वगैरह सब है इसमें, बाइक जैसा। अरे बाप रे, सही है यार, ये कुछ नया ही अपने को देखने को मिला। बाकी भाई भाभी पर ये जो चैन है ये इंजन की है, यहाँ पर साइकिल की। अच्छा हाँ 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 हाँ, मतलब इन केस कभी पेट्रोल वेट्रोल नहीं रहा तो अपन पैडल से काम। सही है भाई, बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या अपने पास एक्सपेरिमेंट टाइप में भाई, थोड़ा अपने पब्लिक को थोड़ा दिखाओ अपने आप। इसे पब्लिक को सब जानती है आपके बारे में यार, कौन नहीं जानता आज के डेट में भाविक भाई के बारे में, लेकिन ये मेरे को सबसे अच्छा यही लगा भाई। तो लोग अच्छा लगा क्या छोटू लोग? अच्छा लगा ना? और भाविक, सो ये है अपना भाविक भाई का महल है भाई, महल से कम नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। इतना दूर से घोरबंदर रोड पे ना, जिसका सबसे बड़ा जो घर दिखता है ना यही है। क्या बोलता प्रेम भाई? अरे भाई ये महल है, महल है, अंदर से देखोगे ना भाई, क्या बताने का यार। ये किसी ने बताया नहीं रहेगा भाविक भाई के बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव है, रिवील है, कोई नहीं। लेकिन अच्छा भाई, भाविक भाई का चैनल है भाविक एक्सपेरिमेंट्स करके, तो यूट्यूब पे भी डालते हो ना? मैं ज्यादातर शॉर्ट्स में ही देखता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ। अभी जो है इलेक्ट्रिक में बैटमोबाइल कार का स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक में हाँ, बैटमोबाइल, पूरा बैटमोबाइल दिखेगा मूवी में जैसा है ना, सेम दिखेगा। अरे क्या बात है भाई। सो अपने को राइड मिलेगा कि नहीं उसका? मिलेगा ना, पक्का मिलेगा, मेरे को बताना भाई। आएंगे एक बार। सो भाई भाई के चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं देखे रहोगे तो, इसे मोस्ट ऑफ पब्लिक जानती ही रहेगी। सो आपको 900 के लेने का कैसे मन में आया था भाई? ड्रीम था कि क्या? पावर बाइक, ऐसा मेरा ड्रीम था कि पावर बाइक लेना था। हाँ, सोच के लिया था। चलो सही नहीं, कोई नहीं, सॉरी तुमको धूप में खड़ा कराए, आ जाओ थोड़ा छाओ भाई उसको करने में। वहाँ पर चेसी दिखा दो क्या बैटमोबाइल की? किधर पे? चलो आ जाओ करते। अच्छा ये चीज़ बना दिए हैं। बाप रे, इसको कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्स? तो भी इसको लगेगा 2 मंथ्स लगेगा, मतलब न्यू ईयर के टाइम हो जाएगा। हाँ, न्यू ईयर के टाइम हो जाएगा पूरा। और ये चलाएगा कौन? मैं ना। हाँ चलाओ ना। चलाएंगे भाई, सही है। पीछे के डायल बाहर आएंगे और आगे कैसे आएंगे? पूरा डोर वगैरह ऑटोमेटिक सब ओपन होगा। ये तुम्हारी इधर पालतू है? नहीं, ये भी एक्सपेरिमेंट में बनाया है। ये भी तुम्हारा भाई क्या? वो पापा के भाई का कलेक्शन देख रहे हो भाई? हाँ, ये सब इधर कार हुआ। सो कोई बता ही नहीं रहेगा भाविक भाई इन पर्सन, बहुत ही अच्छे बंदा है भाई अपन ने मिला। और ये महल जैसा, महल से कम नहीं लग रहा यार। भाविक भाई हमारे टेनल चलाओगे एक बार? चलाएंगे ना। हेलो
उसे 900 तो चला ही हो, लेकिन 10R का ज़्यादा ही पावर है ऐसे। लो चालू करो, एक राउंड मारो, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर लेना इसको, न्यूट्रल 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 डाल दो। हुआ नहीं? हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे ले लो। हाँ अभी लो न्यूट्रल। हाँ ऐसा कुछ बनाओ साउंड, बनाओगे तो ऐसा इनलाइन फोर बनाओ, इनलाइन फोर। चलाओ चलाओ, क्या गरम लग रहा है भाई। क्लच क्लच मैं खुद ही नहीं दबा पा रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा धूप है। और इधर में तो हवा है, ये रोड में फर्स्ट टाइम आया मैं। अपन अभी इधर से चल रहे हैं सर्विस सेंटर। क्या बोल रहे हो? बाकी अपन आ गए अभी कहाँ सखी। क्या बोलते हो सर? और पीयूष भाई क्या बोलते हैं? क्या इतना ट्रैफिक करते हो तुम भाई। अपन चल रहे हैं, और रही बात सर्विसिंग कॉस्ट की, जेरेक्स एनआर की फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट का प्राइस आया है 7500, जो कि मेरे हिसाब से सुपर बाइक के लिए इनफ है, बराबर ही है, ज़्यादा बजट में ही है। किसी वीडियो